डियर चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम फिर से आगे का भाग अगला टेंस वॉइस का पढ़ेंगे। वॉइस चेंज कर रहे हैं हम, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब आ गए हैं हम, हमने लास्ट टर्म पर पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्यों का पैसिव बनाना। नाउ अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव कैसे बनाना है। बस बच्चों केवल एक ही चेंज करना है, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये टेंसेस में जितने भी आप टेंसेस के वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस में बदलेंगे, उसमें सिर्फ एक ही चेंज करना है, बस ये मार्क करना है आपको, ये माइंड में रखना है। अब कहाँ चेंज करना है ये देख लीजिए, ये देखिए वाज और वर, पहचान सामने लिखी है। एक्टिव वॉइस का जो वाक्य दिया जाएगा उसे हम पहचानेंगे कैसे, वो सामने लिखा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब वाज अथवा वर, सिंगुलर प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज अथवा वर लगा होगा, एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा, ठीक है, वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। सबसे पहला कार्य हमने बताया है बार बार कि टेंस पहचानना होता है, तो टेंस हम पहचान लेंगे। देन देखिए सेम फार्मूला लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट का चेंज इन टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज अथवा वर लगा दिया। देन देख लीजिए सेम वर्क, आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी नया शब्द बीइंग लगाया था, सिर्फ उसमें क्या अंतर था, यहाँ पर इज ए वर्ब, हेल्पिंग वर्ब थे, अब हो गए पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, वाज अथवा वर में कोई एक अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाना है और बीइंग लगाना है, बस सेम वर्क करना है, केवल यहाँ पर पास्ट वर्ब बदला है और बीइंग लगाना है। बच्चों एक लास्ट उसमें जब मैं रिपोर्टेड डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ा रहा था तो उसमें अगर कोई शब्द छूट जाता है तो उसमें माइंड मत करें, वो आप अपनी तरफ से थोड़ा सा दिमाग लगा के यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट छूट गया था उसमें, द टीचर फॉरवेड द स्टूडेंट्स लिखा था, उसमें किसी बच्चे ने पूछा है तो वो ऑब्जेक्ट छूट गया है, द टीचर ऑर्डर्ड वाले जब और पे लिखा है ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नहीं लिख पाया है उसमें, तो वो ऑब्जेक्ट तो लिखना है आपको, तो ठीक है वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे द स्टूडेंट्स और आगे का भाग लिखेंगे, तो जो कहीं कोई छूट जाता है तो उसको माइंड करते हुए ठीक से यूज कर लेना। अब देखिए हो गया, अब देख लीजिए एग्जांपल, मोहन वॉज लाफिंग एट मी, लीजिए देखिए लाभ के बाद एट प्रीपोजिशन आता है, ये मैंने इसलिए लिखा है आप माइंड में रखें, ये एट हटेगा नहीं, ये देख रहे हैं आप लाभ कौन सा है, लाभ वर्ब होता है ट्रांजिटिव, वो सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब, लाभ इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, उसको देख लीजिए एट करके बनाया गया है। अब ये यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में देख लीजिए, तो इसलिए एट नहीं हटाना है, सबसे पहला काम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। मी लिखा है, मी का सब्जेक्ट हमने बना दिया है आई, और आई के साथ ही रहता है वॉज, हो गया आई वॉज, देन लिखना है बीइंग लगाना, बीइंग लगा दिया, देन थर्ड फॉर्म लास्ट का मिस्टेक कर देते हैं कुछ लोग, ये ईडी लगता है कुछ लोग ई लगा देते हैं, ध्यान रहे थर्ड फॉर्म याद कर लेंगे, एट नहीं हटाना है, लाफ एट देन एजेंट बाय लगाया और देन सब्जेक्ट चेंज टू ऑब्जेक्ट, मोहन नेम है लाफ डेट बाय मोहन। एक और एग्जांपल देखेंगे, शी वॉज telling a
लाए। लीजिए सीधे मेन वर्ब पर जाते हैं और मेन वर्ब रहा है टेलिंग, और टेलिंग के जस्ट आफ्टर लिखा रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या लिखा है? अलाय। पूरा एक साथ लाएंगे और सी के प्लेस पर अब हो गया अलाय, ठीक है, सिंगुलर है इसलिए वॉज ही रहेगा वॉज। देन जब थर्ड फॉर्म लिखने जा रहे हैं तो माइंड में रहे कि एक नया शब्द हमको ऐड करना था बीइंग, अदरवाइज आंसर रॉन्ग हो जाएगा। बीइंग टेल का थर्ड फॉर्म, टेल टोल्ड टोल्ड बाय सी का ऑब्जेक्ट है। ओके देख लीजिए अलाय वॉज बीइंग टोल्ड बाय हर, ये अफर्मेटिव हमने बनाया। बहुत आसान बात, ध्यान में रखें बीइंग लगाना और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी, ठीक है। अब आते हैं निगेटिव बनाने के लिए। निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव वाक्यों में केवल एक ही शब्द चेंज करना है, ये देखिए। अब हम पैसिव निगेटिव बनाएंगे, देखिए कहां पर वॉज पर देन नॉट, केवल हेल्पिंग वर्ब के पश्चात नॉट पढ़ाना है, केवल हेल्पिंग वर्ब के पश्चात नॉट पढ़ाना होगा, नेगेटिव आंसर हो जाएगा। बाकी सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख लीजिए सेम फॉर्मूला वॉज पर देन बी नॉट देन बी थर्ड फॉर्म, बाकी सेम वर्क लिखा है, सेम फॉर्मूला लिखा है, कुछ नहीं चेंज करना है। देख लीजिए हिज अंकल वॉज नॉट टीचिंग हिम हिंदी, लीजिए देख लीजिए बाजवर के साथ नॉट और अथवा बाजवर के साथ कोई नॉट अथवा और भी इस तरह से कोई भी वर्ब हुआ, टीचिंग लिखा हुआ है, टेंस पहचान लिया हमने, पास्ट कंटिन्यूअस है, तुरंत माइंड में आए कि एक शब्द हमें बीइंग ऐड करना है, ये माइंड में रहे बीइंग ऐड करना है, पास्ट कंटिन्यूअस है। आप देख लीजिए मेन वर्ब के बाद गए कहां पर? ऑब्जेक्ट पर। देख लीजिए क्या लिखा है, हिम। आप इस वाक्य में देख रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट गिवन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट आप दोनों से बना सकते हैं, लेकिन अंतर हमने बताया था स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जब डबल ऑब्जेक्ट होंगे देन अंतर क्या होगा, जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो फिर इनडायरेक्ट को बाद में ले जाना होता है, इसके बिफोर आपको प्रपोजिशन टू ऐड कर देना है, बस ये डिफरेंस है। तो हम सीधे से हिम का बन गया सब्जेक्ट, ही हो गया, और जब ही बना है तो वॉज नॉट द नॉट, और मैं वर्ब से बिफोर एक शब्द लगाना था बीइंग टीच का टॉट टॉट, सेकेंड एंड थर्ड बीइंग टॉट, क्या बचा है इधर हिंदी, यहाँ भी एजेंट बाय लगाया ये जानकारी का नहीं सकता, बताया था हमने पोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, ये अगर आप हिंदी से बनाएंगे तो हिंदी को यहाँ लिख दीजिए, देख लीजिए दोनों बाइक बता रहा हूँ मैं, अगर आप हिंदी से बना रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया हिंदी, हिंदी है तो वाजी रहेगा हिंदी वॉज नॉट बीइंग टॉट, और यहाँ क्या आएगा टू हिम, बस ये डिफरेंस है दोनों में। अगर आप इंडायरेक्ट बात मिला रहे हैं हिंदी के बेस पर क्या आएगा हिम, तो यहाँ पर आपको उसके बिफोर टू इंसर्ट कर देना है, बस टू ऐड कर दीजिए यहाँ पर उसके पहले, बाकी सेम रहेगा, ये है तरीका। दूसरा एग्जांपल है द टीचर वॉज नॉट द
then these books, ये देखिए मेन वर्ब पर गए हम, गिविंग लिखा हुआ है, मेन वर्ब उसके जस्ट आफ्टर लिखा है देम, ऑब्जेक्ट मिल गया देम, और ये भी देख लीजिए डायरेक्ट फिर से मैंने दो बार दे दिया, देम इनडायरेक्ट दीज बुक्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट दिए, सेम वर्ब करना है, उसी तरह से आप पढ़ा लीजिए, आप सीधे मेन वर्ब के जस्ट आफ्टर डायरेक्ट लिखा है इसको लिखिए, आपको टू लगाने का झंझट नहीं, आपको आता है बोल सकते हैं। टीचर के बेस पर आप हो गया दे, और देश प्लूरल है, श्रीवास के बेस पर आपको लिख देना है वर्ब, यहाँ ना भूलें सब्जेक्ट देखते ही आपको आना चाहिए सिंगुलर है कि प्लूरल, ये माइंड में रहे, वर नॉट देन नया वर्ड लगाना था, तीन गिव का थर्ड फॉर्म गिव, गेव और गिवेन, इधर बचा है दीज बुक्स, बाय लगाइए और द टीचर ऑब्जेक्ट, ये बीइंग गिवन दीज बुक्स बाय द टीचर, ये है निगेटिव बन गया है, बहुत आसान, केवल हमने इसमें नॉन बढ़ाया था, बाकी कुछ नहीं करना पड़ा। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव टाइप्स के हैं, आपको बार बार बताया गया है, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे अब हम, और इंट्रोगेटिव में है थोड़ा सा चेंज है वर्ड्स, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अब हम इंट्रोगेटिव का सेंटेंस फर्स्ट टाइप के हैं, फर्स्ट टाइप का जब मैं दोनों बार बताता हूं, मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको, माइंड में रहे, दो टाइप, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और दूसरे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले, तो फर्स्ट है जब वाक्य है और हेल्पिंग वर्ब स्टेंस की जो भी होगी वो माइंड में है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब उसकी है वॉज अथवा वर्ब, से प्रारंभ हो, हमने कंडीशन लिख दी है हेल्पिंग वर्ब से जब स्टार्ट होगा सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव होगा, अब हमें पैसिव बनाना होगा, देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बिगनिंग में लिखना है, वाक्य के आरंभ में ही वाज अथवा वर्ब लिख देना है, देन ऑब्जेक्ट, बाकी सेम फॉर्मूला देख लीजिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, चेंजेस इनटू सब्जेक्ट ठीक है, देन ये बार बार बाहर आ गया है तो उसके बाद क्रम आपको लिखाया गया था, बीइंग का यूज करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं, देन थर्ड फॉर्म एजेंट बाय लगा देंगे, देन सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, देखिए सेम फॉर्मूला है, चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, देखिए ठीक, केवल क्या हुआ है बार बार को हमने बाहर लिख लिया है, बस हेल्पिंग वर्ब जहां पर लिखी थी उसी जगह हेल्पिंग वर्ब आ गई है, और जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना के ला रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग दोनों में से एक लिखना, वाज लिखना अथवा बस सिंगुलर है वाज प्लूरल है, बस बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है, ये देख लीजिए एग्जांपल से, वर्ब द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट, लीजिए देख लिया हमने, इंट्रोगेटिव दिया है, बाहर लगी है स्टार्ट।
स्टार्टिंग में लगी है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सीधे मेन वर्ब पर गए हम और मेन वर्ब के जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट लिखा रहता है। क्या लिखा है? क्रिकेट। और क्रिकेट सब्जेक्ट बनाकर हम कहाँ लाएंगे? सब्जेक्ट लाएंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर। ये हो गया लिख दिए क्रिकेट कहाँ पर? द बॉयज के प्लेस पर। अब हो गया क्रिकेट, सब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। तो क्रिकेट सिंगुलर है, इट मीन्स हमें क्या यूज करना है यहाँ पर? वाज लगाना है, वर्ब नहीं। बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लें, फिर उसके अकॉर्डिंग आप देखें सिंगुलर है कि प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंग है कि वर्ब यूज कर दें। देन लिखा हुआ है बी लगाना। देन थर्ड फॉर्म प्ले का प्लेड, एजेंट बाय लगा दिया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट द बॉयज। ठीक है, अब आ गए हैं नंबर सेकेंड एग्जाम्पल पर। His father was beating was not ठीक बराबर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बना एक was his father beating him was his father beating him। ठीक है, ऑब्जेक्ट में रख के लाते दीजिए, हिम लिखा हुआ है, हिम का सब्जेक्ट आपने ही बनाया और ही किस प्लेस पर आ गया? फादर के प्लेस पर। जब ही आया है तो वाज का वाज वाज ही और मैन वर्ब से बिफोर आपको पता है बीइंग लगाना है, बीट का बीट बैट और बीटेन फॉर्म याद रखें, बीट बैट बीटेन बाय हिज फादर। ये है बच्चों, ये रहा जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब आपको वाक्य के आरंभ में लिख देना है, बाकी देख लीजिए मेन वर्ब से ठीक पहले आपको बीइंग लगाना है, इतना सा बस याद रखना है, आंसर एकदम सही होगा आपका। अब आ गए हैं सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप पर देख लीजिए, सेकंड टाइप के वाक्य कैसे होंगे? तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे, यानी जब वाक्य सेकंड टाइप का है, ये देखिए जब वाक्य क्वेश्चन वर्ड लीजिए, क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड से जब स्टार्ट होगा सेंटेंस, तो हम पैसे बनाने में केवल एक फिर से चल, बस केवल एक ही चेंज होगा, इन पैसे केवल एक चेंज। जहां पर अभी आपने हेल्पिंग वर्ड लिखा था, अब यहां पर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया है उसे हम वाक्य आरंभ में लिखेंगे। ये लिखिए, ये देख लीजिए आप, कितना आसान कार्य है, ये लीजिए कुछ नहीं बदला गया, देख लीजिए अभी हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट था, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट था वाक्य, ठीक है, अब क्वेश्चन वर्ड दिया होगा तो वही क्वेश्चन वर्ड वाक्य आरंभ में लिख दिया, बाकी सीक्वेंस सेम फॉर्मूला रहेगा, नो चेंज। केवल बताया गया क्वेश्चन वर्ड बदलना, हु के प्लेस पर बाय हूम, ये ध्यान रखना। अब देखिए वाय वॉज हरीश नॉट बाइंग द बुक्स, लीजिए क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन वर्ड सेम किया, लीजिए लिख दिया भाई, वाय का वाय, बाकी अभी पढ़ा उसी क्रम में आपको करना है, सब्जेक्ट के प्लेस पर ये ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, मैन वर्ब के जस्ट आफ्टर लिखा है द बुक्स, द बुक्स आ गया है यहाँ पर हरीश के प्लेस पर, द बुक्स आ गया है हरीश के प्लेस पर, ये देखिए
ये बन गया सब्जेक्ट हमारा, और उसी के अकॉर्डिंग इस जगह पर आपको हेल्प वर्ब यूज करनी है। ये लीजिए बुक से तो प्लूरल लगेगा, पर ये है बस इतनी सी बात माइंड में रखें, एकदम सही होगा आपका आंसर। बाय बाय द बुक्स नोट लगा है आप लगा लीजिए, और मेन वर्ब से बिफोर आपको बी यूज करना है। बाय का बॉट होता है थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म बॉट, बाय लगाइए एजेंट एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया है हमने, ये ठीक है। ये है अगला देख लीजिए, एक और देखेंगे व्हाट वर यू डूइंग हियर। अब देखिए व्हाट वर यू डूइंग हियर, इस तरह का क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हैं इसमें ये देखिए डू, डू के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है ना, ऑब्जेक्ट है ही नहीं लिखा हुआ है। क्या कर रहे हैं, किसको क्या लगा, व्हाट एंड हुम लगा कर हम आंसर भी पूछ लेते हैं, आंसर कुछ नहीं मिला तो हमने क्या बताया था, मैंने बिफोर पिछले टर्न पर भी एक बार ये क्वेश्चन इस तरह का बताया था। इसमें क्वेश्चन पूछा व्हाट वर यू डूइंग हियर, कि आप यहाँ क्या कर रहे थे। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है आप, यानी अब जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये अब आपके द्वारा यहाँ क्या किया जा रहा था। देखिए कुछ नहीं करना पड़ा, केवल आपके द्वारा माने बाय यू इधर चला गया, जो भी सब्जेक्ट होगा उसे बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बना के बाहर कर दीजिए, बाकी सारा सीक्वेंस सेम करना है। ये देख लीजिए व्हाट वो चीज व्हाट हो गया, अब आपके द्वारा क्या किया जा रहा था देख लीजिए, अब अपने आप सिंगुलर हो गया वर्ब किया जा रहा था। व्हाट वाज, अब मेन वर्ब आप लिखने जा रहे हैं, बीन लगाएंगे, डू का डन होता है, डू डिड डन हियर, बाय लगाएंगे और यू को बाहर कर दीजिए, लीजिए ऑब्जेक्ट बन गया। कितना आसान है इस तरह का क्वेश्चन, आप ध्यान रहे इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर एजेंट के साथ बाहर कर लीजिए, बाकी सीक्वेंस क्रमशः बना दीजिए, बाय हुम वाज बीइंग डन हियर बाय यू, ये काम करना था बच्चों, ध्यान रहे बस दो शब्दों का ही तो ध्यान रखना है, वाज वर कौन सा वाज अथवा वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, और बीइंग को ठीक मेन वर्ब से बिफोर लगाना है, बीइंग को मेन वर्ब से पहले लगा देना है और कोई प्रॉब्लम नहीं। बस टेंस आप पहचानेंगे तुरंत आपके माइंड में आ जाए कि इसमें हमें क्या यूज करना है, शब्द जो एक बताया गया है वो माइंड में रहे, टेबल में भी मैंने लिखा दिया है और यहाँ भी लिखाया जा रहा है, इसलिए आप ध्यान से करें। एक और एग्जांपल देखेंगे, हु वॉज मेकिंग दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, अब आपको बताया गया है कि हु के प्लेस पर हु को ऑब्जेक्ट बनाया हमने हूं और उसके बिफोर लगा दिया बाहर, ठीक। बाकी क्वेश्चन वर्ड सेम रहते हैं, केवल हु की प्रॉब्लम है, हु को आप बाई हूं बनाया ऑब्जेक्ट और उसके पहले लगा दिया बाई, तो ये वाक्य स्टार्टिंग बात के आरंभ में ही ये बात करनी है। फिर देखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है, मैंने बस ये लिखा मेकिंग दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, पूरा एक होगा दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स सिंगुलर, दीज लिखा पिक्चर्स प्लूरल लिखा है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल है तो फिर लग गया वर्ब, बाय हुम वर्ब ऑब्जेक्ट ले आइए, दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, बाय हुम वर्ब दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, हम जब मेन वर्ब लिखने जा रहे हैं तो माइंड में रहे कि हमें बी
का थर्ड फॉर्म मेड। ये देखिए बच्चों, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों में सेम वर्ब किया गया है, एक नया वर्ड सेम लगाया गया है, माइंड कर लीजिए। दोनों कंटिन्यूअस में बीइंग का यूज किया गया। और अगली बात बताई गई है, तीसरा जो कंटिन्यूअस होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसका पैसिव नहीं बनता है, उसकी पैसिव नहीं बनेगी, ये माइंड में रहे। अब हम अगले जो टर्न पर पढ़ेंगे वो होंगे परफेक्ट, वो हम परफेक्ट में पढ़ेंगे पैसे कैसे बनाते हैं परफेक्ट टेंसेस के। बाकी के ये आपने इतने पढ़े हैं 3 and 2 5 5 टेंसेस पढ़ लिए हैं आपने, तुरंत रिवाइज करें आप, एक बार डेली रिवाइज करते रहेंगे एकदम आप परफेक्ट रहेंगे, ये माइंड में रहे। एक बार आप रोज रिवाइज करते रहेंगे, अभी आप 8 दिन में 8 टेंस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम अगले टर्न पर मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट आप लिखेंगे, उसको देखेंगे, कोई प्रॉब्लम होती है मैं सॉल्व करूँगा। और जो होमवर्क मैंने उससे दिया था वो सभी होमवर्क, सभी लोग होमवर्क करेंगे। और यदि हमने लिख दिया था, बता भी दिया था, इफ देर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।